मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन दैट वी फाइंड द सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. सो अब आपको रूट्स निकालने आ गए हैं. अब आपको ये चेक करना है कि वो रूट्स कैसे हैं. अब रूट्स कैसे हैं मतलब कि रियल है तो एग्जिस्ट करेंगे, अगर रियल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि रियल है या नहीं है, जो कि हम पिछली वीडियो में एक चीज देख चुके हैं कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो रूट में वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे हैं. इफ दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो, देन योर रूट्स आर रियल and it exists. Then roots are real, and if it is real, it exists. In second case, you know b square minus 4ac is less than 0, and when it is negative, then no real root exists. No real root exists. अब आप बोलोगे कि no real root का क्या मतलब है? If root के अंदर यहाँ पे जो b square minus 4ac है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, square root. और आपने पहले पढ़ा होगा, हमने ninth में भी ये बात discuss की है कि root के अंदर negative values exist नहीं करती. तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर negative value है, तो हमारे पास root में negative value exist नहीं करती, इसके हमारे पास कोई value नहीं है, तो यहाँ पे root भी exist नहीं करेगा. ये दो केस है. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें real है तो क्या क्या केस है, और no real root है तो इसमें values कैसे आते हैं. जैसे हमारे पास इसमें तीन केस हैं. फर्स्ट केस है b square minus 4ac greater than 0. b square minus 4ac greater than 0 means positive value. तो अगर इसकी positive value है, तो हमारे formula में देखो minus b plus b square minus 4ac upon 2a. And second root क्या आएगा, minus b minus root b square minus 4ac upon 2a. ये दो roots आएंगे. तो दो रूट्स अलग अलग आए, यहाँ प्लस या माइनस, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ करोगे. तो इसमें इस केस में हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस कि दोनों जो ये दोनों रूट्स हैं, ये रियल है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है. सो देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सेकेंड केस है आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. इसका क्या मतलब है, x is equal to minus b plus minus root 0 upon 2a. It means x equal to minus b upon 2a. क्या मतलब, root 0 is 0, so plus minus 0 होगा. जब आप plus 0 करोगे तब भी minus b upon 2a, जब आप minus 0 करोगे तब भी minus b upon 2a. It means roots हमारे पास दो ही आएंगे, solution हमारे पास दो आएंगे, because degree क्या है, 2. तो दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दैट इज ओके, बट दोनों सेम आ रहे हैं. तो इसमें आपके पास क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स यहां पे हमारे पास इस केस में b स्क्वायर माइनस 4 ac इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल रूट्स. इन थर्ड केस व्हेन b स्क्वायर माइनस 4 ac इज लेस देन 0 इज नेगेटिव, तब आपके पास क्या केस होगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट. अब b स्क्वायर माइनस 4 ac नेगेटिव, तो रूट के अंदर आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी अपॉन 2a. तो ये वैल्यू जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका हमें कुछ पता नहीं है, तो हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं. सो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स. सॉल्यूशन होते हैं, बट ये हायर क्लासेस के लिए, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. अभी आपके पास सिर्फ क्या है, नो रियल रूट्स. तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि तीन केस हैं, इफ ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, एंड इफ नेगेटिव देन नो रियल रूट्स. तो आप सबको एक चीज समझ आ रही होगी कि b स्क्वायर माइनस 4 ac हमें डिटरमाइन करना है, हमें बता रहा है कि रूट्स कैसे हैं. सो इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स. जिसको हम
हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी लिखते हैं, डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस फोर एक्स। तो अब आपको जब भी क्वेश्चन में बोला हो कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या आंसर करोगे, डी डी स्क्वायर माइनस फोर एक्स। चेक करोगे डी ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या नहीं। अब एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, और